अस्सलाम वालेकुम, तरन्नुम का जायका में आप सभी का खुशामदीद। आज मैं लेके आ गई हूँ आपके साथ चाय की रेसिपी, कड़क और स्ट्रॉन्ग और मेरे स्टाइल में। तो अभी हम चाय बनाना शुरू करते हैं। चाय बनाने के लिए मैंने गैस पे रख दी बर्तन गर्म होने के लिए। इसमें मैं डाल दूंगी 2 कप पानी। मैं 4 कप चाय बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी ले ली हूँ। पानी अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसके बाद हम इसमें अदरक डालेंगे। पानी गर्म हो चुका है, पानी गर्म हो गया तभी मैं इसमें डाल दूंगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 छोटी इलायची। इसको अच्छे से कूट लेंगे। अभी मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और इलायची जो मैंने कूट ली थी अच्छे से बारीक। अदरक और इलायची अच्छे से पानी में पकने लगे ताकि उसका टेस्ट जो है ना वो चाय में बहुत अच्छा है। इस तरीके से अगर आप चाय बनाएंगे तो आपकी चाय बहुत टेस्टी बनेगी और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। तभी मैं अदरक और इलायची को ऐसे ही पकने देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अदरक और इलायची अच्छे से पकने लगी है तभी मैं इसमें डाल दूंगी चाय पत्ती। 1 टेबल स्पून चाय पत्ती डाल रही हूँ मैं। चाय पत्ती को अच्छे से पानी में पकने देंगे। अभी मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली, शक्कर मैं बाद में डालूंगी। दूसरी तरफ मैंने दूध रख दी गर्म होने के लिए चाय में डालने के लिए। चाय पत्ती अच्छे से पक चुकी है, 2 मिनट हो गया है तभी मैं इसमें डाल दूंगी गर्मा गर्म दूध। आप देख सकते हो जैसे मैंने दूध डाली चाय पकने लगा कंटिन्यू। तो चाय में हमें दूध गर्म डालना है ताकि हमारी जो पकने की जो स्पीड है ना वो कम ना हो। इससे क्या होगा, हमारी चाय का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा और चाय पीने में बहुत टेस्टी लगेगी। अभी मैं इसमें डाल दूंगी शक्कर। शक्कर आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, आपको जितना पसंद है। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून डाल दी हूँ। अभी हम इसको ऐसे ही पकने देंगे 5 मिनट के लिए। चाय को पकते हुए 5 मिनट हो गया है तभी मैं गैस को कर देती हूँ बंद। तभी हम चाय को सर्व कर देंगे। अभी मैं चाय को सर्व कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं हमारी तड़कती भड़कती कड़क चाय रेडी हो गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके बताने वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह भी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।